हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। और गुड मॉर्निंग सभी को, और आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं एक्चुअली आज ओटी में हूँ और मैं कल कंप्यूटर से ओटी आया हूँ, तो रात हो गया तो मैं ओटी में हम लोग सब कोई ठहर गए। तो दोस्तों, जैसा कि ये है सुबह का नज़ारा जो थोड़ी देर पहले हम उठे सो के, तो यहाँ रात को तो कुछ दिखाई नहीं दिया, तो सुबह उठ के देख रहा है कि यहाँ ढेर सारा वो सब खेती करके रखे हैं, क्योंकि यहाँ पता नहीं किस ट्रैक्टर से या किससे वो सब इतना अच्छा मतलब हाल जोत के रखे हैं। यहाँ कुछ रोकते हैं साग सब्जी, और घर सब भी देखिए कितना प्यारा घर, कितना। और पता नहीं किस किस का ज़मीन होगा, और इसका जो सिंचाई और सब किए हैं बहुत अच्छा। और मैं आपको आगे की तरफ भी आप सभी को दिखाएंगे, और जिस होम स्टे लॉज पे हूँ वो भी मतलब चारों ओर पहाड़ है, उसका बीच में है, वो छोटे छोटे जो कलरफुल देख रहे हैं वो सब घर है। उधर से थोड़ा आगे मेन मार्केट है ओटी के, और आगे की तरफ जो देख रहे हैं छोटा ओटी गार्डन है, यहाँ के टी गार्डन भी सुने हैं बहुत फेमस है। ओटी का टी गार्डन जो चाय पत्ती होते हैं ओटी का बहुत मतलब फेमस है, सुने हैं पता नहीं, तो ज़रूर टेस्ट हम करेंगे इसको भी। तो हम लोग ओटी आके बहुत जगह घूमे, तो घूमते घूमते रात हो गया, तो जैसा यहाँ कुछ व्यू पॉइंट था, फिर बोटनिकल गार्डन था, फिर बहुत सारा मतलब जो हम लोग बोटिंग भी किए वो बहुत अच्छा था, बहुत सारा जगह। तो दोस्तों, आज का सुबह का मौसम मतलब हल्का हल्का हवा दे रहा है, जैसे यहाँ का वेदर बहुत ठंडा है, जैसा कि मुझे देख रहे हैं कि मैं अभी भी जैकेट पहन के बैठा हूँ और ऊपर से मेरा नाक भी बांध है, क्योंकि यहाँ का वेदर अचानक मैं गर्मी से ये ठंडा में आ गया हूँ, तो इतना गर्मी मतलब नहीं लग रहा है, बहुत ठंडा सा महसूस हो रहा है। धूप भी हो रहा है तो इतना धूप का हीट नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है विंटर सीजन घुस गया। हम लोग का तरफ तो अभी तक शायद समारे ख़त्म नहीं हुआ, पर यहाँ तो विंटर ऑलरेडी टोपी ओपी पहन के लोग रहते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे थोड़ी देर बाद यहाँ से। जो भी बोलो, बहुत अच्छा लगता है यहाँ से व्यू सब देखने, क्योंकि ओटी का बारे में मैंने पहले बहुत सुने थे कि ओटी ऐसा जगह है, सीनरी है बहुत अच्छा है, फिल्मों में देखे थे, लेकिन कभी इमेजिन नहीं किए थे कि ऐसा होगा कि बहुत सुंदर है। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि यहाँ आने का अनप्लान था, आने नहीं, हम लोग का कोई शेड्यूल नहीं था यहाँ आने का, क्योंकि हम लोग का कुछ ट्रेन का मतलब बुकिंग का जो शेड्यूल था वो मतलब नहीं हो पा रहा था, तो वेटिंग में था, उसका वजह से हम लोग को यहाँ आने पड़ा। तो सोचे आखिर हम लोग को तो रहना पड़ेगा, क्योंकि वेटिंग में कुछ कन्फर्म नहीं हुआ था, इसके लिए हम लोग सोचे चलो ओटी घूम के आते हैं। तो हम लोग सभी आए हैं ओटी पे, तो यहाँ अच्छा ही लगा, अच्छा समय बीता, पता नहीं फिर कब आएंगे यहाँ, तो आना चाहता हूँ और दोबारा फिर आना चाहता हूँ इस जगह पे। दोस्तों, जैसे कि मैं थोड़ी देर बाद यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि हम लोग कोयम्बटूर जाने वाले हैं, तो ज़्यादा हम लोग इधर वेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग एक दिन का प्रोग्राम सोच के आए थे, तो हम लोग जितना था हम लोग घूम के, और फिलहाल हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे।
लागेज वागेज पैकिंग हुआ कि नहीं वो सब थोड़ा देखेंगे, सामान वामान ना छूट जाने से फिर कौन आएगा इतना दूर। तो दोस्तों ये जैसे कि मैं ऑलरेडी हो गया हूँ, मेरा आगे पीछे बैग इधर उधर टांग के रखा हूँ और इधर गाड़ी भी प्लेस है, सब कोई रेडी है, अभी हम लोग इधर से ही निकल जाएंगे। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है। तो हम लोग गाड़ी से उधर से निकल गए। ये रहा जो ऊटी का साइड व्यू, जो गाड़ी से चलते हुए आप सभी को दिखा, देख सकते हैं कि ये छोटा छोटा घर और बहुत सारा इतना मतलब प्यारा प्यारा जगह है यहाँ का सब, मतलब ऐसा लगता है कि कलरफुल चीज़ों से बनाया है, ऐसा लगता है कुछ पेपर कटिंग वर्पिंग ऐसा लगता है, लेकिन ये एक्चुअली घर का कलर, वैरायटीज ऑफ कलर्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ घर के, पहाड़ों के फिर डिजाइन सब भी आप जानते हैं। यहाँ एक क्रिश्चियन चर्च है, पता नहीं कौन सा चर्च का है। तो दोस्तों व्यू जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि नज़ारा बहुत सुंदर है यहाँ का, क्योंकि यहाँ जितना धूप दिखाई दे रहा है इतना ठंडा है वेदर, क्योंकि हम तो जब से आए तब से जैकेट पहन के मतलब रह रहा हूँ, क्योंकि ठंडा मुझे तो लग रहा है यार, क्योंकि जब वहाँ से आए थे बहुत गर्म लग रहा था, लेकिन पहुँचने के बाद तो इतना ठंडा लगा आते आते तो मेरा नाक भी बंद हो गया। और यह है कुन्नू रेलवे स्टेशन, जहाँ जो टॉय ट्रेन या मेट्रो कहा जाता है, यहाँ फेमस कुन्नू टॉय ट्रेन है। यहाँ जो ट्रेन दिखाई दे रही है ज़्यादा नहीं, दो तीन या पांच डब्बे जो बोगी होता है उसी से यह पैसेंजर, यह एक्चुअली यह है ट्रैक जहाँ से ये कुन्नू रेलवे स्टेशन का जो ट्रेन है यहाँ से पास होती है। तो मौका तो नहीं मिला मुझे चढ़ने का, क्योंकि समय नहीं था तो हम चढ़ नहीं सके, अगले बार आने से ज़रूर हम चढ़ेंगे और आप सभी को ज़रूर दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है इट्स वेरी ब्यूटिफुल एंड आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से हाउस द वेदर दैट ऑशन। अभी बहुत जगहों से लोग आते हैं यहाँ, टूरिस्ट सब स्पेशली कलकत्ता और बाहर बाहर से लोग आते हैं मेनली इस प्लेस को देखने के लिए, ये हिली प्लेस को, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द फेमस प्लेस ऊटी। जैसा कि दोस्तों यहाँ मतलब बहुत बाहर बाहर से लोग आते हैं, इसके लिए मेन टूरिस्ट प्लेस है और आगे एक दुकान है जो टेंटी बेचते हैं, तो वहाँ से कुछ चाय पत्ती खरीद लेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।